हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अभी डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तुहानू पेपर आना जी फिजिक्स का 2023 का, मार्क 2023 का। उन्दे लई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो सानू पिछले पेपर्स तो पता लगता है कि उन्होंने जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं की पैटर्न है। तो अज आप प्रीवियस ईयर पेपर्स नू डिस्कस करांगे, तो इन्हें तो यह पता लगेगा कि हुण आने वाले पेपर के विच किस तरह का क्वेश्चन सानू आ सकता है, ठीक है? कितों कितों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सब तो पहला तो इस यूनिट के विचों 4 मार्क्स का पेपर पूछा जाना है जी। टोटल बहुत छोटा जहा यूनिट है, उनके हिसाब नाल 4 मार्क्स जोड़े है बहुत ज़्यादा है। 2 क्वेश्चन आने हैं जी एक एक नंबर के, जो MCQ या ट्रू फॉल्स की फॉर्म के विच हो सकते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आना है जी शॉर्ट आंसर फॉर 2 मार्क्स, ठीक है? तो जो इस यूनिट का कॉन्टेंट है उनके अकॉर्डिंग तो बहुत ईजी है कि दो ही मेन टॉपिक बनते हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट का तो दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, ठीक है? तो पिछले पेपरों के भी सारे क्वेश्चन इन्हों के ही पूछे गए हैं। तो देखो जी, 2021-22 का जो पेपर सेगा, जो टर्म 1 का पेपर सेगा, उनके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे MCQ फॉर्म के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स हाइपोथसिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है तो दैट गिव्स राइज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो इसका आंसर है जी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे दैट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूजे को राइज करते हैं तो ईएम वेव्स कंसिस्ट करते हैं, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो फिर ईएम स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन तुम्हें मैं कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सानू सारा पैटर्न ही पता होना चाहिए जी, ठीक है? इतने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी है तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है जी? रेडियो वेव्स की। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? गामा दी। तो गामा दी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। थर्ड है जी, इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली एट द फ्रीक्वेंसी 2×10^10 Hz, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू न्यू लैमडा। इतों से लैमडा कैलकुलेट कर लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर न्यू, तो ये बन जाएगा 3×10^8 जो स्पीड स्पीड ऑफ लाइट है, डिवाइडेड बाय 2×10^10। तो सॉल्व करके आ जाएगा जी 3/2 1.5, तो नाल पावर आ जाएगी जी 10^ ऊपर जाके -2 मीटर, ठीक है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो मार्च 2020 के क्वेश्चन पूछा गया, वट इज़ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की होंगे कि जो जो अभी कपैसिटर दी प्लेट्स के दे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, तो उनके जो फ्लक्स वेरी करती है तो उनके करके जो करंट प्रोड्यूस होंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अभी की किमें डिफाइन करा, इट इज़ द करंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कपैसिटर ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट इज द करंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कपैसिटर ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, या अभी कह सकते हैं वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला भी दे सकते हो जी, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d∅E/dt, d∅E/dt वेयरिंग फ्लक्स होगी, उनके करके आई डी प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट है जी, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है? तो सब तो पहला तो सानू जो पैटर्न है पता होना चाहिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है गामा रेज की, ठीक है? उस तो बाद चाहे जी एक्सरेज, उस तो बाद चाहे यूवी, उस तो बाद चाहे विजिबल, ठीक है? विजिबल तो बाद चाहे जी इंफ्रारेड, उस तो बाद चाहे माइक्रो, तो उस तो बाद चाहे जी रेडियो रेडियो वेव्स, ठीक है? तो ये उपर वाल जिमें असी जाने फ्रीकुएंसी बढ़ती है, ठीक है? तो नीचे वाल जिमें असी जाने वेवलेंथ बढ़ती है, तो ये वेवलेंथ का इनक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न है। तो कहिंदा अरेंज द फॉलोइंग इन द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ दे विच इनफ्रारेड, गामा, रेडियो, माइक्रो। तो सब तो पहला आएगी जी शॉर्टेस्ट दी, मतलब सब तो पहला आएगा जी गामा, गामा तो ग्रेटर होएगा जी इन्फ्रारेड, तो उस तो बाद आएगा जी इन्फ्रारेड, उस तो बाद आएगा जी माइक्रोवेव्स, ठीक है? तो लास्ट पे आएगा रेडियो वेव्स, ठीक है? ये तो पैटर्न याद होना चाहिए जी। फिर वो अगो इनक्रीजिंग ऑर्डर पूछी जाए या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछी जाए किसी भी चीज़ का, वेवलेंथ का या फ्रीकुएंसी का, तो उसके अकॉर्डिंग असी सॉल्व कर सकते हैं। डैश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन लैब, तो ये कौन साइंटिस्ट सेगा? इट इज़ हर्ट्स। तो हर्ट्स ने एक्सपैरिमेंट किया सब तो पहला ईएम वेव्स नू प्रोड्यूस करने का। डिटेल्स हम सिलेबस के नहीं है, ठीक है? तो ज़्यादा जो संभावना है पेपर पूछे जाने की वो कितों है
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है या डिस्प्लेसमेंट करंट जो है। ठीक है जी, फिर देखो 2017 दे विच भी यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट होए हैं कि इन्हों अरेंज करो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं होर कर देना, बाकी तो प्रैक्टिस लई है कि तुसी उन्होंने अपने आप कर सकते हो। राइट द फॉलोइंग रेडिएशंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। हम फ्रीक्वेंसीज दे ऑर्डर दे विच असी असेंडिंग ऑर्डर दे विच लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इनक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सब तो पहला घट वेव घट फ्रीक्वेंसी वाली वेव असी लिखांगे जी, वो है जी रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव्स तो बाद आएगी माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसीज तो ज़्यादा होंगी है। उस तो बाद आएगी जी यूवी, उस तो बाद आएगी जी एक्सरेज। तो ये है जी इन सेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो एट्थ क्वेश्चन तुझे अपने आप करना है जी। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ। नाइन्थ भी तुझे अपने आप करना है जी। ठीक है, ये भी सिमिलर है। नेक्स्ट आई देखो 2 मार्क्स दे क्वेश्चन। 2 मार्क्स के बच्चे पूछा गया वट आर एक्सरेज, गिव देयर 2 यूजेस। एक्सरेज की है, एक्सरेज जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये लिख सकते हैं एक्सरेज इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 × 10^16 हर्ट्स टू 3 × 10^19 हर्ट्स। मतलब असं फ्रीक्वेंसी रेंज दस देंगे। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। है उन्होंने यूज़ की है, तो पहला यूज तो सानू सारों ने पता है कि इट इज़ यूज इन मेडिकल परपजेज टू डिटेक्ट अ फ्रैक्चर इन द बोन्स। बहुत सारे यूज़ है एक्सरेज के, जिमें कि तुम देखा होगा कि एयरपोर्ट्स से या रेलवे स्टेशन से लगेज में स्कैन करते हैं तो वह भी एक्सरेज यूज़ होंगे हैं। वेल्डिंग दे विच जिहड़े कोई डिफेक्ट रह जाता है तो वह भी चैक करने लई एक्सरेज यूज़ होंगे हैं इंजीनियरिंग परपजेज लई। ठीक है, ठीक है, देखो फिर 2019 ते 20 दे विच सेम क्वेश्चन रिपीट होया है, एक्सरेज एक्सरेज दे यूज़ दसो। ठीक है, राइट 2 यूजेज ऑफ इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज ना हीट थेरेपी दे विच यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी वाले। ठीक है, यूज्ड इन फिजियोथेरेपी, यूज्ड इन फिजियोथेरेपी फॉर गिविंग हीट टू द मसल्स। ठीक है, मसल्स नू हीट करने लई, रिलैक्स करने लई, यूज इन मोलिकुलर स्पैक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, बोन्स लेंथ चैक करने लई या स्ट्रक्चर चैक करने लई मोलिकुलर स्पैक्ट्रोस्कोपी दे विच यूज होंगी है जी इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो उस तो अगे जी माइक्रोवेव्स आर यूज इन रडार, कि रडार दे विच माइक्रोवेव्स क्यों यूज होंगे है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोवेव्स जी ना वो हाईली डायरेक्शनल होंगे हैं। ठीक है, तो इसलिए असं इन्होंने यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सानू पता होनी चाहिए जी की है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जी हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे हैं जो एक दूजे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो असं ये भी लिख सकते हैं कि दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, कि दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, या इन्हों मटीरियल मीडियम की जरूरत नहीं होंगी। देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नू याद रखो, उन्होंने अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है जिस तरह से ये क्वेश्चंस देखे है जी ऊपर। तो ये जो क्वेश्चंस है जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के तुम्हें कोई भी 3 या 4 दिखाई जा सकती हैं, उन बेस्ड तुम्हें पूछा जा सकता है कि इन्हों अरेंज करो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नू याद रख लो तो इन क्वेश्चन आ जाएगा। तो दूसरा जोड़ा है कि यूज याद रखो जी, जिहड़ियां ये सारियां हैगियां गामा रेज एक्सरेज अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड। ठीक है, इन सारे दे दो दो चार चार यूज़ कर लो तो यूज़ के विचों क्वेश्चन आ जाएगा, जिस तरह इन्होंने एक्सरेज दे इंफ्रारेड दे अल्ट्रावायलेट दे बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर च पूछे जाने लई। ठीक है, तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट वाला टॉपिक कर लो तो आई थिंक इन्हें विचों जोड़ा है 4 मार्क्स का पेपर जोड़ा है वो जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें वीडियो जोड़ा है वो वधिया लग्या होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।